इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि चैप्टर नंबर 10 है पुरानी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और चैप्टर नंबर 12 है जो न्यू बुक है उसके कंटेंट के हिसाब से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आज हम लोग बेसिक्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इनिशियली वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस क्वेश्चन को हम आंसर करेंगे। इसके अलावा वील सी व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ये टर्म्स आपने ऑलरेडी सुनी भी होंगी। वील सी के इन दोनों का क्या मतलब है, हम इनके डिटेल में रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि जिसमें ये दोनों हो रहे होते हैं साइमल्टेनियसली वी कॉल देम रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ओवरऑल हम रिडॉक्स रिएक्शंस का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ऑक्सीडेशन नंबर का रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या रोल होता है। ये हम इसके एंड पे कंक्लूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्हाट इज इनिशियली व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी की आपस में इंटर कन्वर्जन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, और जिस किस्म के सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसको आपने ऑलरेडी अपने मैट्रिक वगैरह के अंदर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें आप बाहर से वोल्टेज अप्लाई करते हो और उसकी वजह से अंदर केमिकल रिएक्शन कुछ ना कुछ होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये होती है कि आप बाहर से केमिकल एनर्जी, बाहर से बल्कि नहीं, केमिकल एनर्जी जो रिएक्शन के अंदर है, सॉरी, जो रिएक्शन के अंदर केमिकल एनर्जी है वो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाए, तो इससे ये होगा कि अगर आपने कोई बल्ब वगैरह लगाया हुआ है तो वो ऑन हो जाएगा, और इस तरह के सेल को हम फिर बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल बोथ आर अ पार्ट ऑफ योर कोर्स इन दिस चैप्टर। हम इसके अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे दोनों किस्म के सेल्स। सो यू मस्ट हैव नाउ एन आइडिया कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी की इंटर कन्वर्जन को डिस्कस करते हैं विद रेफरेंस टू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। आवर सेकेंड क्वेश्चन टुडे इज व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। लेट्स कम डाउन हियर। रिडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल किसको कहते हैं? फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज यू मस्ट बी नोइंग के रिडक्शन कहते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में हो रहा हो तो हम कहते हैं कि वो चीज रिड्यूस हो गई है, ये उस चीज की रिडक्शन हो गई है। एक और चीज हम ये कहते हैं कि अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो किसी चीज के अंदर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको भी हम रिडक्शन ही कहते हैं। और तीसरा हम इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए तो भी जो प्रोसेस होता है हम इसको रिडक्शन ही बोलते हैं। इन तीनों की एक एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप H2O का रिएक्शन कराओ किसी चीज के साथ, और मसलन A के साथ आपने रिएक्शन करवाया और AO बन गया और साथ H2 बन गया। अब इसमें यह हुआ है कि H2O से O अलग हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि H2O से जब O अलग हुआ और H2 प्रोड्यूस हुआ तो H2O की रिडक्शन हो गई। यू गॉट माई पॉइंट? सिमिलरली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी हम रिडक्शन ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर का आपने किसी चीज के साथ रिएक्शन करवाया B के साथ, मसलन ये कोई भी कंपाउंड हो सकता है, और सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड में चेंज हो गया और साथ आपके पास कोई कंपाउंड C बन गया। अब सल्फर जो C में चेंज हुआ है दिस इज अगेन कॉल्ड रिडक्शन बिकॉज हाइड्रोजन ऐड हो गया है सल्फर के साथ। एंड जो थर्ड प्रोसेस है इसको भी मैं इसी स्लाइड के ऊपर कवर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सोडियम
विद अ पॉजिटिव चार्ज। सोडियम विद अ पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इससे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हुआ है। अगर इसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन वापस डाल दूं यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, ये Na के अंदर चेंज हो जाएगा। नाउ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन रिडक्शन के ही हैं। दिस इज द फर्स्ट वन विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द सेकेंड वन विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड द थर्ड वन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इन दिस चैप्टर विल बी प्राइमरीली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से या सब्ट्रैक्ट होने से रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कैसे होती है। सो विद रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो जिस तरह रिडक्शन में एडिशन थी, ऑक्सीडेशन होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्लोरीन Cl, अगर इसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं Cl माइनस, लेट से Cl माइनस मींस इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है किसी चीज से, अगर वो इलेक्ट्रॉन में इससे निकाल दूं तो ये Cl के अंदर चेंज हो जाएगा, और अगर ये दो Cl माइनस हुए और ये दो इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये Cl Cl Cl2 प्रोड्यूस कर देगा। नाउ इन दिस प्रोसेस ये जो मैंने किया है, ये मैंने इस चीज के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड रिडक्शन इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको इजी आपने मेमोराइज अगर करना है तो उसका आसान तरीका मैं आपको एक और बताता हूं। क्लोरीन नेगेटिव चार्ज था इस पर, एक इलेक्ट्रॉन निकला और Cl विद अ जीरो चार्ज बन गया था। चार्ज माइनस वन से जब चार्ज जीरो पे आया तो बेसिकली चार्ज इंक्रीज किया। इंक्रीज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी एलिमेंट का अगर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एंड जी जो ऊपर आपके सामने मैंने एग्जांपल लिखी हुई थी, सोडियम का प्लस वन चार्ज था यहां पे, और यहां पे सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, एटॉमिक फॉर्म का मतलब होता है इस पे चार्ज जीरो है। तो चार्ज प्लस वन से जीरो पे, रिएक्टेंट में प्लस वन चार्ज है, प्रोडक्ट्स में जीरो है। सो आई वुड कॉल कि यहां पे चार्ज हैज रिड्यूस्ड, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रिडक्शन। तो चार्ज के कम होने को रिडक्शन कहते हैं एंड चार्ज के बढ़ने को ऑक्सीडेशन कहते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मेमोराइजिंग कि व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। आज हमने टॉपिक के अंदर एक तो यह देखना था व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस। व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शंस एंड हाउ डू दे रिलेट टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगर मैं एक एलिमेंट लूं ए और इसको मैं रिएक्ट कराऊं बी पॉजिटिव के साथ, अगर मेरा प्रोडक्ट बनता है ए पॉजिटिव एंड साथ में बी, ये मैं एक स्कीमेटिक आपको बता रहा हूं, एग्जैक्टली ये कुछ भी चीजें हो सकती हैं। ए जो है वो ए से ए प्लस में जा रहा है, ठीक है। यहां पे ए का क्या चार्ज है जीरो, ए प्लस का क्या चार्ज है प्लस वन। सो चार्ज चूंकि बढ़ रहा है तो मैं ये कहूंगा कि ए जो है वो ऑक्सीडाइज होके ए प्लस में चेंज हो गया। इफ यू लुक एट बी, यहां पे बी का चार्ज प्लस वन है एंड हियर बी इज इन एटॉमिक स्टेट, दैट मींस चार्ज इज जीरो। सो बी का चार्ज कम हो रहा है और चार्ज के कम होने को हमने डिस्कस किया था इट इज रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। अगर एक केमिकल रिएक्शन इस तरीके से हो रहा हो कि कोई एक एंटिटी जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरी एंटिटी रिड्यूस हो रही हो, इस तरह के रिएक्शन को वी कॉल अ रिडॉक्स रिएक्शन। द टर्म रिडॉक्स इटसेल्फ डिराइव्स फ्रॉम रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन से रेड और ऑक्सीडेशन से ऑक्स, इट बिकम्स रिडॉक्स रिएक्शन। विद इन एवरी रिडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है यहां पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी जब ए आपका ए प्लस में चेंज हुआ है तो इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लाजमन निकला होगा, और जब बी आपका बी प्लस वन से बी में चेंज हुआ है तो डेफिनेटली इट इज रिडक्शन, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। ओवरऑल
दिस रिएक्शन ए प्लस बी प्लस इक्वल टू ए प्लस प्लस बी इज द सम ऑफ दीज टू रिएक्शन. ई माइनस इज ऑन बोथ साइड्स, ये कैंसिल हो जाएगा, जो चीजें दोनों तरफ होती हैं आप उनको कैंसिल कर देते हो, आपका रिएक्शन बचेगा ए प्लस बी पॉजिटिव गिव्स यू ए पॉजिटिव प्लस बी एंड दिस इज व्हाट वाज रिटन प्रीवियसली ओवर हियर. सो नाउ यू हैव एन आइडिया व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन और इसमें किस तरीके से कोई एक चीज हमेशा ऑक्सीडाइज हो रही होती है और ऑक्सीडाइज जो चीज हो रही होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल रहे हैं वही वाले इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और बी प्लस ने वही वाला एक इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करके बी में बदल गया. सो व्हेनेवर देयर इज अ रिडॉक्स रिएक्शन हमेशा रिडक्शन के साथ ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रही होती है. इफ इट इज अ कंप्लीट रिएक्शन इट इज इम्पॉसिबल दैट यू डू रिएक्शन एंड उस रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन आपने नहीं की तो सच अ रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता रिएक्शन. ऑल राइट, लेट्स कम बैक हियर. नाउ यू नो व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन एंड इसके अंदर किस तरीके से रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो रही होती है. पार्डन मी अगर आपको ये लग रहा है कि दिस इज वेरी इजी स्टफ व्हाट आई एम टीचिंग यू. ओके, आई अंडरस्टैंड दिस इज रियली इजी, बट टाइम के साथ साथ आगे इस चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल जो है वो इंक्रीज करता रहेगा डिफिकल्टी लेवल. सो यू नीड टू बी विद मी थ्रू आउट जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं. नाउ लेट्स कम टू ऑक्सीडेशन नंबर. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल एंड आई विल स्लोली बी पिकिंग अप पेस. ऑक्सीडेशन नंबर, जो अभी तक मैंने बात की कि ए के ऊपर प्लस चार्ज है, ये अभी तक तो मैं एलिमेंट की बात कर रहा था. सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको समझाऊं, किसी भी एलिमेंट का जो चार्ज होता है, जो अपीयर हो रहा होता है उसके ऊपर, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. ठीक है, जो अपेरेंट चार्ज होता है उसके ऊपर. ठीक है, आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन अपने कुछ कंपाउंड्स के अंदर प्लस वन चार्ज शो करता है. फॉर एग्जाम्पल HCl, इसमें हाइड्रोजन पे प्लस वन चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस वन होता है, तभी तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया हुआ. बट इन सम कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, सोडियम इज पॉजिटिव वन चार्ज्ड एंड हाइड्रोजन इज माइनस वन चार्ज्ड. सो हाइड्रोजन इज शोइंग माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट हियर. अगेन देयर बोथ कैंसिलिंग एंड सोडियम हाइड्राइड बन गया. एंड देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स इन विच H2 मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है. अब एक भी H है, दूसरा भी H है एंड दे बोथ हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यह हुआ देर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिंस देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, दिस इज ऑल्सो 2.1, दिस इज ऑल्सो 2.1 के करीब, देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सो इट्स अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. नॉन पोलर का मतलब यह हुआ कि कहीं पार्शियली पॉजिटिव, इसमें तो यह था ना सोडियम वॉज पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव, इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है. ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली एक है. इसका मतलब ये हुआ कि ना इस पे कोई चार्ज होगा ना इस पे कोई चार्ज होगा. दैट्स व्हाई व्हेनेवर यू हैव अ मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक ही एलिमेंट दो दफा लगा हो, मसलन H2, Cl2, N2, O2, इन तमाम में जो आप चार्ज ऊपर उसका लिखते हो ना, वो आपने जीरो लिखना होता है. Cl इज जीरो चार्ज, नाइट्रोजन इज जीरो चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ जीरो. दिस चार्ज विच अपेरेंटली कम्स ऑन द एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट फिक्स्ड. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जीरो भी हो सकता है, प्लस वन भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग के वो पूरा कंपाउंड किस किस्म का है. ठीक है, तो आप कंपाउंड को देखते हुए एक अपेरेंट चार्ज उसका निकालते हो जिसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं. लेट्स डू सम प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू फाइंड द अपेरेंट चार्ज ऑफ अ कंपाउंड. यू हैव पोटेशियम पर मैंगनेट, इसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, इट इज यूज्ड इन टाइट्रेशन ऑल्सो, KMnO4, पर मैंगनेट MnO4-1 को कहते हैं एंड पोटेशियम K+1 को कहते हैं. ऑल राइट, K का चार्ज आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, प्लस वन. पोटेशियम हमेशा प्लस वन होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. जो मेटल्स के चार्ज होते हैं ना, मेटल्स का या तो प्लस वन होता है या प्लस टू होता है, या बहुत अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो प्लस थ्री उसका चार्ज होगा. इससे ज्यादा चार्ज नहीं इंक्रीज होता है फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप के मेटल्स.
इफ पोटेशियम चार्ज इज नोन, ऑक्सीजन का तो आपको ऑलरेडी पता है, ऑक्सीजन माइनस टू चार्ज शो करता है अपने कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। ऑक्सीजन का चार्ज हमेशा आपने माइनस टू यूज करना है। आप इसके ऊपर आ जाओ, पोटेशियम का चार्ज, पोटेशियम कितने हैं इसमें, एक, और एक का चार्ज होता है +1। मैंगनीज कितना है इसमें, एक, और एक का चार्ज आपको नहीं पता, इसको आप एक्स सपोज करो इसके चार्ज को, जिस हम मैथ्स में एक वेरिएबल को ले लेते हैं एक्स, और चार ऑक्सीजन्स हैं, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो चार का कितना होगा, -2 × 4, यानी -2 × 4, एंड ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज है, जीरो, बिकॉज कंपाउंड के ऊपर नेट चार्ज कुछ भी नहीं होता, सो पुट इट इक्वल्स टू जीरो। यहां से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, विच बिकम्स 8 − 1 = +7, यानी मैंगनीज हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 इन KMnO4। आई रिपीट, जिस एंटिटी का आपने चार्ज निकालना होता है, जिस एलिमेंट का, आप उसके चार्ज को एक्स सपोज करते हो या वाई या कोई भी वेरिएबल नाम दे देते हो, बाकियों का आपको चूंकि पता होता है, आप ओवरऑल चार्ज को जीरो इक्वेट करते हो एंड यू फाइंड द चार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट जिसका आपको नहीं पता होता। यू कुड इवन स्टार्ट फ्रॉम MnO4 − 1। लेट मी एक्सप्लेन हाउ, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यू नो व्हाट इज द चार्ज ऑफ मैंगनीज, यू डोंट नॉट नो, लेट्स पुट इट वाई राइट नाउ, एंड सिंगल ऑक्सीजन हैज अ चार्ज ऑफ -2, सो फोर ऑक्सीजन विल हैव -8, एंड पुट इट इक्वल टू -1, बिकॉज ओवरऑल कंपाउंड पे -1 चार्ज है। डोंट गेट इट कंफ्यूज के MnO4 में -1 जो हम ऊपर लगाते हैं ये ऑक्सीजन का चार्ज होता है, ये MnO4 कंप्लीट का चार्ज -1 है। इट मीन्स के ये पूरा चार्ज था ना, ये आपने कंप्लीट चार्ज लिखा इक्वल टू -1 पुट कर दो, जो ओवरऑल चार्ज है। इसमें मैंने ओवरऑल चार्ज को जीरो पुट किया था क्योंकि मैं पूरे कंपाउंड की बात कर रहा था, कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। अलबत्त अगर के प्लस पे अलग में बात करो तो इस पे +1 चार्ज है, और MnO4 की बात करो पर मैंगनेट की, तो इस पे -1 चार्ज है ओवरऑल। So let's put it equal to -1, and again you'll conclude you get the same result. So it does not matter. You can find it either way. इसके बाद, this was for manganese आपने निकाला. Manganese का आपने oxidation state क्या निकाली? +7. इसको oxidation number या oxidation state बोलते हैं. Now take another compound. For example, manganese dioxide, MnO2. नाउ यू नो के मैंगनीज का चार्ज आपको नहीं पता, यू पुट इट इक्वल्स टू एक्स, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है 2, लेट मी राइट इट इन येलो, एक ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2, सो 2 ऑक्सीजन का चार्ज हो गया -4, एंड द ओवरऑल कंपाउंड हैज नो चार्ज, पुट इट इक्वल्स टू 0, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू +4। सो नाउ इन मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। अलबत्ता मैंगनीज जो पर मैंगनेट आइन था, पोटेशियम पर मैंगनेट, उसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी। सो इन सम रिएक्शन, इफ देर इज के एम एन ओ फोर इन द रिएक्टेंट्स एंड यू हैव एम एन ओ टू इन द प्रोडक्ट्स, यू कैन डायरेक्टली कंक्लूड दैट KMnO4 is being reduced into MnO2. How? Because manganese का oxidation state यहां पे था +7, यहां पे अभी आपने निकाला निकला +4, charge +7 से +4 में आ रहा है, charge के कम होने को क्या कहते हैं, reduction, reduction किस चीज को कहते हैं, addition of electrons, कितने charge का फर्क आ रहा है, 7 से 4 यानी 3 का, इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं मैंगनीज के अंदर, मैंगनीज +7 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होके मैंगनीज +4 में चेंज हो रहा है। सो दिस इज ओवरऑल हाउ यू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज ऑक्सीडाइज और कौन सी रिड्यूस हो रही है। ऑलराइट, यहां पे इफ यू सी पोटेशियम इट्स +1 चार्ज, यहां पे पोटेशियम है ही नहीं, सो पोटेशियम के चार्ज पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा, यहां पे ऑक्सीजन इज -2 चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन इज ऑल्सो -2 चार्ज, देयर इज नो डिफरेंस इन ऑक्सीजन टू, सो जो फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ मैंगनीज पे पड़ रहा है, एंड कितना फर्क पड़ रहा है, यहां पे +7 यहां पे +4, सो यू हैव कंक्लूडेड दैट KMnO4 व्हेन रिड्यूस्ड बिकम्स MnO2 और एनी अदर कंपाउंड इन विच मैंगनीज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4।
दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर वी हैव ट्राइड टू लर्न व्हाट इज रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, हाउ डू दे रिलेट टू द ऑक्सीडेशन नंबर, एंड ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हाउ वी कैन अंडरस्टैंड के कौन सा एलिमेंट रिड्यूस और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट जो आज हमने पढ़े हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज देम इन बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन. एक रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको बैलेंस करने के देर आर टू मैथड्स. द फर्स्ट मैथड इज ऑक्सीडेशन नंबर मैथड, ऑक्सीडेशन नंबर मैथड. एंड द सेकेंड मैथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मैथड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर मैथड और उससे लेटर लेक्चर्स के अंदर विल बी डिस्कसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मैथड.